वहीं पन्ना जिले की इकलौती औद्योगिक इकाई जेके सीमेंट के विरोध में गुरुवार सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के जनपद सदस्य और सरपंचों ने विधायक प्रहलाद लोधी को ज्ञापन दिया। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से चल रही कंपनी मनमानी का जिक्र किया गया है। वहीं क्षेत्र में जब से कंपनी स्थापित हुई है क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे से जल प्रदूषण भी बढ़ा है। इसी संबंध में कंपनी द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जबकि कंपनी की स्थापना से पहले किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। तब परिवार के सदस्यों को रोजगार देने का वादा किया गया था और जो आज भी किसान परिवारों के लोगों को नहीं मिल पाया है, जिससे परिवारों को आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और कंपनी के आने से क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं और अवैध गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहीं विधायक प्रहलाद लोधी ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। माननीय विधायक जी के पास हमने ज्ञापन सौंपा है जेके कंपनी की वादा खिलाफी के विपक्ष में। जो भी जब जेके कंपनी हमारे यहाँ पे स्थापित हुई थी, जो भी वादा कंपनी के द्वारा किया गया था पब्लिक हेयरिंग के दौरान में, वो एक भी वादे पर कंपनी खरा नहीं उतर रही। उसके अगेंस्ट पूरा काम कर रही है, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे वो सड़क दुर्घटना की बात हो, या गौचर की बात हो, या किसानों के साथ छल की बात हो। किसी भी मुद्दे पर आप बात करें, चाहे रोजगार की बात हो, किसान युवा हमारे क्षेत्र के जो भी हैं वो टोटल मतलब कंपनी उनको किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है और ना रोजगार की बात करती है। नौकरी के लिए ज्ञापन सौंपा गया जी, जिससे जेके कंपनी द्वारा झांसा देकर के कहा गया कि तुम दोनों भाइयों को लगभग नौकरी स्थायी रूप से दी जाएगी, लेकिन कंपनी के गेट पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है कि यहाँ कोई वैकेंसी अभी नहीं है और जब भी वैकेंसी निकलेगी तो बताया जाएगा। बताया जाएगा का मतलब ये है कि मतलब पूर्ण रूप से नौकरी नहीं दी जा रही है। तो कृपया करके विधायक जी से यही ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारी नौकरी के लिए कोई भी शीघ्र समाधान किया जाए। देखिए, किसानों ने यानी कि हमें जानकारी दी है कि हमारी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की गई है, तो इसके लिए मैं ऊपर तक बात करूंगा और कंपनी वालों से भी बात करूंगा कि इस प्रकार का अत्याचार न करें और जिनकी ज़मीन ली है उनको प्लांट में काम दें, क्योंकि उनकी खेती की ज़मीन तो चली गई, अब ज़मीन कहीं मिल नहीं रही तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो इसके लिए मैं उनसे भी कहूँगा उनको काम दें, नहीं तो इसकी आगे के लिए जो भी कार्रवाई होगी किसानों के साथ मिलकर के हम उनका सहयोग करेंगे, वो आगे जो होगा उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी।